स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश में चल रहे वायलेंस के बारे में। इतने टाइम से जो बांग्लादेश में ये वायलेंस चल रहा था, अब फिलहाल के लिए इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे कि यूनाइटेड नेशन, इसने भी जो है इसको स्लैम किया और कहा है कि जो माइनॉरिटीज़ रह रही हैं आज के टाइम पर बांग्लादेश के अंदर और उनके ऊपर जो यातनाएँ की जा रही हैं, हम उनके साथ हैं और यहाँ पर ये जो है बहुत ही इमीडिएट कॉज के साथ जो है बंद होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर थोड़े रीसेंट फैक्ट्स की और फिगर्स की, तो देखो आप सभी को बताए कि बीते कुछ एक वीक के अंदर ही बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी पिक्चर्स जो है इंटरनेट पे फ्लोट हो रही हैं, जहां पर हमें दिखाया जा रहा है कि टेंपल्स को जलाया जा रहा है, बिजनेसेस को क्लोज किया जा रहा है और ऐसे घर जो हिंदुओं के हैं उसको क्या करा जा रहा है, बंद किया जा रहा है या फिर उसको जला दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कब हुआ, जब यहाँ पे शेख हसीना ने क्या किया, रेजिग्नेशन दे दिया और वो कंट्री से भाग गई अमिड दी वायलेंट प्रोटेस्ट। बांग्लादेश की जो मीडिया है वो रिपोर्ट करी कि जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है उन सभी को रैनसेक्ट कर लिया गया है करीब 27 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसी के साथ यहाँ पे रिपोर्ट्स भी बताई गई कि हिंदू को जो है टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, किनके द्वारा, भीड़ के द्वारा, यानी कि भीड़ जो है अचानक से आती है और जो हिंदुओं को टारगेट करती है। सिंस शेख हसीना जो है वहाँ से कंट्री से भाग चुकी है, जो केओज है करीब अभी तक 232 जाने इसके अंदर जा चुकी है और ये तो जो फिगर है वो मिड जुलाई का है और अभी जो है यहाँ पे 555 तक तो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन इसके बाद वाला फिगर और भी बड़ा हो सकता है, यानी 550 से भी ज़्यादा लोग जो हैं अभी तक इस पूरे मॉब के अंदर, इस पूरे अटैक के अंदर मारे गए। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही है ना, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने बोला तो है कि हाँ ये सबको रोका जाना चाहिए और दूसरी अब इंटरवीन करने लगी है एजेंसीज, तो होपफुली यहाँ पे चीज़ें जो हैं जल्द से जल्द यहाँ पे ठीक हो, सो दैट हमारे लिए भी जो है ये अच्छी चीज़ हो, यानी भारत के लिए भी ये चीज़ अच्छी है जैसे इनका जो है ऑनगोइंग क्राइसिस खत्म होगा। क्योंकि देखो आपको पता है कि जो हमारी बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, जो हमारी बॉर्डर है वहाँ पे हमारे भारत को अपनी BSF के जवानों को जो है बहुत ज़्यादा तैनात करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है कि जैसे ही पूरा क्राइसिस इस पूरे बांग्लादेश के अंदर चल रहा है तो सभी लोग चाहते हैं कि वो इंडिया के अंदर फ्ली कर जाए, यानी कि वो इंडिया के अंदर आ जाए। और आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ जहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लोग बहुत ही डेस्परेटली जो है इंडिया के अंदर एंटर करना चाहते हैं, पूरी एक रिवर के अंदर भी जो है ये लोग खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि कब जो है यहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट जो है हमें अंदर आने के लिए देगी। अब यहाँ पे आप सोच के देखो कि अभी के लिए बहुत सारे लोग जो है इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर ये कहते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों को जो है हमारे इंडिया के अंदर आने दिया जाए, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे देखो हमारा जो दिल है वो भी बहुत ही बड़ा है, हमारा सिर्फ यहाँ पे भारतीय जो है सिर्फ कहने के लिए भारतीय नहीं है बल्कि भारतीयों का दिल बहुत बड़ा है और यहाँ पर हम अपने लोगों की जो है चिंता भी करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल फिगर्स पर बात करें तो आप सोच के देखो भारत की पॉपुलेशन आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड है, हम अपनी पॉपुलेशन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन आप सोच के देखो कि अगर ये लोग इतने बड़ी तादाद के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं इंडिया के अंदर, तो आप सोच के देखो ना कि लैंड की दिक्कत आएगी, उसके ऊपर से खाने पीने की भी तो दिक्कत आएगी, तो इन सब चीजों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और हमारी ओवर पॉपुलेशन के चलते हुए इंडिया के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि हम इन सभी रेफ्यूजीज को जो है इंडिया के अंदर पनाह दें। तो इसीलिए फिलहाल के लिए इंडिया ने जितने भी यहाँ पे BSF के जवान हैं उन सभी को यहाँ पे जो हमारी फेंसिंग है इंडिया बांग्लादेश की उसके पास तैनात कर दिया गया है और यहाँ पे इंडिया के जो सोल्जर्स हैं वो इन सभी को पैसे करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे इंडियन सोल्जर्स के जो है यहाँ पे, ताकि सो दैट ये लोग इधर बॉर्डर से इस पार ना आ सकें। आप देख सकते हो करीब 1000 के करीब ये सारे के सारे लोग हैं और ये सारे हिंदूज हैं जो कि बेसिकली माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आते हैं बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश की जो है करीब 170 मिलियन आबादी के अंदर ये केवल 8% ही होते हैं जो बांग्लादेशी क्या हैं, हिंदूज हैं, तो यहाँ पे इनके ऊपर यातनाएं की जा रही है। लेकिन होपफुली जो चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द ठीक होंगी और ये दोनों ही देशों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद की बात है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो टेंशन हैं वो हमें अभी फिलहाल के लिए बांग्लादेश बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर सारे लोग क्या चाहते हैं कि वो आसाम और बाकी इंडिया का जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है यहाँ पर फ्ली कर जाए, विच इज़ नॉट एट ऑल अप्रोप्रिएट फॉर इंडिया एज ऑफ नाउ। बट हाँ, इंडिया जो है अपने यहाँ पे डिप्लोमेटिक डायलॉग से और बाकी दूसरी चीज़ों से जो है चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेगा ही, और साथ में इंटरनेशनल एजेंसीज, USA और बाकी दूसरे जो कंट्रीज हैं बड़े बड़े वो भी अब इसके ऊपर कमेंट करने लगे हैं। तो खैर, आप अपनी व्यूज़ और अपने राय जो है मेरे साथ कॉमेंट्स में ज़रूर साझा करना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। इनकेस अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास दो एप्लीकेशन ज़रूर हो, एक है Vocab24 जो आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा एंड दूसरी है GK24 जहाँ पर आपको फ्री मटेरियल मिलेगा रिलेटेड टू GK GS, करंट अफेयर और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे ऐप पे जाके देख सकते हो। दोनों ही ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड विद GK24।